जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचने वाले हैं। मिशन 2022 के तहत क्या कुछ चल रहा है, इसी मद्देनजर दो दिन का ये दौरा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी पहुंचे हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, प्रदेश सरकार के तीन मंत्री भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, सुब्रत पाठक, गोविंद नारायण शुक्ला भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। अगुवानी के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उनकी अगुवानी हो, और थोड़ी ही देर में ये माना जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आ गई, ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। तो थोड़ी ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे ये जेपी नड्डा। दो दिन का ये मिशन 2022 है, जिसके तहत ये रणनीति बनाने का काम होगा। इस पर चर्चा होगी, बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों के साथ ये चर्चा करेगी, सांसदों के साथ आज दोपहर में एक बड़ी बैठक होनी है, ये अहम है। तमाम सांसदों के साथ बैठक होगी, और इससे पहले आपको बताएं तमाम ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी सदस्य सबके साथ एक बैठक का क्रम है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दो तरीके की सभागार को तैयार किया गया है, जिसमें पहले से ही लोग मौजूद रहेंगे, बस इंतजार है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने का। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानने की कोशिश करते हैं कि बस अब तो सारी चीजें तैयार हो गई होंगी, अब इंतजार हो रहा होगा, तमाम सदस्य तमाम लोग भी पहुंच गए होंगे। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से स्निता, यहाँ पर इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जहाँ पर सबसे पहला कार्यक्रम होगा ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश महामंत्री इस समय यहाँ पर मौजूद है, जेपीएस राठौर जी। सीधे बात करेंगे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र जी से और उनसे जानेंगे आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। मंत्री जी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, ब्लॉक प्रमुखों से उनका संवाद होगा, 2022 को लेकर पूरी तैयारी। पंचायत चुनाव में इस उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई है। इसमें 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष जीते हैं, 650 लगभग ब्लॉक प्रमुख जीते हैं, तो उनका आज सम्मेलन है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन उन्हें मिलेगा। और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के रोज़मर्रा विषयों से जुड़े रहे हैं सब लोग, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सबकी भूमिका का लाभ और उनकी सक्रियता का लाभ पार्टी को मिलेगा। यानी कहा जा सकता है सबको संदेश दिया जाएगा सरकार की किन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाना है, किस तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब देने। नहीं, सरकार ने जो काम किए पिछले 4 सालों में, माने योगी जी के नेतृत्व में जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम हुए हैं, उन सारे विकास के कामों के आधार पर हम लोगों ने और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर ये इतना बड़ा राजनीतिक परिणाम जनता ने हमें दिया, हमारे ऊपर जवाबदेही है, और उस जवाबदेही को समझते हुए उसको भी पूरा करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी लक्ष्य देगी उस लक्ष्य के अनुसार कार्य किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मंत्री जी, पहले राम मंदिर की जब बात होती थी एक मुद्दा होता था, लेकिन अब आगामी चुनाव की बात करें तो एक उपलब्धि के रूप में कह सकते हैं सरकार लेकर जाएगी। निश्चित रूप से सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार शिलान्यास किया है और उस पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हम लोग करा रहे हैं, और अनेकों योजनाएं भी अयोध्या की दिव्यता के लिए, भव्यता के लिए सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र के द्वारा हो चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो, उस पर काम किया जा रहा है। जो लोग इस विषय को उलझाना और लटकाना चाहते थे, सरकार की सक्रियता से, हमारे नेतृत्व की सक्रियता से इस विषय का माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समाधान हुआ है, और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक भव्य दिव्य राम मंदिर भगवान राम के जन्म स्थल पर बनने वाला है। पर हमने सुना पंचायती राज मंत्री को संगता, तो उन्होंने भी साफ कहा कि निश्चित रूप से राम मंदिर जो है वो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस समय जेपी राठौर जो है वहाँ जा चुके हैं, लेकिन पार्टी के एक और पदाधिकारी चंद्रमोहन जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चंद्रमोहन जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों के बीच में संवाद होगा उनका सभी ब्लॉक प्रमुख से, 2022 को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं, पहला कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष और माननीय ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन का कार्यक्रम है, जो नए भारत का सपना माननीय मोदी जी ने देखा है, उस सपने को ग्रामीण भारत के साथ में कैसे उसे अंगीकार करें, कैसे आगे बढ़े, ग्राम विकास और पंचायत
इन दोनों के विषय में रोड मैप देने के लिए और मंत्र देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। माना जा सकता है कि जो चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका है वो ब्लॉक प्रमुख निभा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उनकी पहुँच होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, इस वजह से स्वाभाविक रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख दोनों ही जो प्रतिनिधि हैं वो एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, तो स्वाभाविक रूप से हम 2022 के लिए एक अच्छे ताकत के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। कल देखिए यहाँ पर एक बैठक होती है जिसमें सोशल मीडिया की टीम को लेकर चर्चा होती है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, यानी हर मोर्चे पर, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, वर्चुअली हो या सामने, हर तरह से तैयार है पार्टी। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल हैं और हमारा जो आधार है वो सबसे बड़ा है। तो हम कोई पिकनिक वाली पार्टी नहीं है कि अखिलेश जी जैसे कल साइकिल लेके पिकनिक के लिए निकले, तो हम पिकनिक वाली पार्टी नहीं है। हम विचारधारा आधारित कार्यकर्ता हैं, विचारधारा को पसंद, भारत माता की जय के लिए काम करने वाले लोग। तो सभी लोग, सबके सामने एक लक्ष्य है। बिल्कुल, देखिए 2022 और मिशन, और देखिए किस तरीके से रणभेरी सजाई गई है कि आज एक तरफ न्याय यात्रा निकाली जा रही है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है, तो तमाम पार्टियां अपने पत्ते खोल के अपने अपने वोट बैंक को रिझाने में जुटी हैं। ऐसे में बीजेपी का ये आज मिशन 2022 में क्या कोई रणनीति खास बनेगी, या फिर एक रेगुलर बैठक की तरह समझे कि हाँ हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। देखिए भाजपा की कोई भी बैठक जनरल नहीं कही जा सकती, हर बैठक जो होती है उसके परिणाम कुछ समय बाद ही देखने को मिलते हैं। जिस तरह से अगर बात करें, देखिए शैलेश तस्वीरें आ गई हैं, जरा दर्शकों को बता दिया जाए कि एयरपोर्ट से तस्वीरें मिल रही हैं सीधे लखनऊ से, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, फूल देकर स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अगुवानी के लिए इस वक्त नजर आ रहे हैं सीएम और तमाम पदाधिकारी, डिप्टी सीएम, मंत्रीगण इस वक्त मौजूद हैं। तो स्वागत की तस्वीरें आ गई हैं और अब से थोड़ी ही देर में जहां हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा मौजूद हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, वहां रवाना होंगे और वहीं कार्यक्रम में तमाम ब्लॉक प्रमुख इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। वो कार्यक्रम बस इंतज़ार है वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने का, और देखिए उनके आने की तस्वीरें भी इस वक्त औपचारिकताएँ, जहाँ तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम अगुवानी में पहुंचे हैं और देखिए फूल देकर स्वागत करते तमाम मंत्रीगण, पदाधिकारी इस वक्त नजर आ रहे हैं और अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष, और देखिए ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की तैयारी है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थीं और अब सीधा रुख करेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का, जहां पर दो अहम कार्यक्रम बताए जा रहे हैं जिसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया था, और वहां अब बस इंतजार है। और देखिए अब सवार हो चुके हैं अपनी गाड़ी में, तो थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे सहयोगी शैलेश जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि अब एयरपोर्ट से ये काफिला निकल चुका है, अब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचना है। अब इस बीच जितना वक्त लगे रवानगी की तस्वीरें आपके सामने हैं, और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दो अहम कार्यक्रम जिसके लिए इंतजार करते हुए तमाम कार्यकर्ता जोश और जुनून के साथ मौजूद हैं, ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद हैं, और अब आ चुके हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं और रवाना हो चुके हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए। शैलेश हमारे सहयोगी, शैलेश कितना वक्त लग जाएगा अब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक पहुंचने के लिए, अमौसी एयरपोर्ट से ही निकलना हुआ होगा? बिल्कुल, देखिए इसने लता, ये अमौसी एयरपोर्ट से निकले हैं और यहाँ तक मान लीजिए कि लगभग 15 से 17 मिनट का बामुश्किल वक्त लगेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले को पहुँचने में। हालांकि बीच में स्वागत का भी कुछ कार्यक्रम है, तो बहुत ज़्यादा अगर वक्त लगा तो मैक्सिमम कह सकते हैं 20 मिनट का वक्त लगेगा, यानी अब से 15 से 20 मिनट के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो इस मंच पर होंगे, जहाँ से वो 2022 को लेकर संदेश देंगे सभी ब्लॉक प्रमुखों को, सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को, और देख सकते हैं आप हॉल में भी किस तरह से
जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बड़ी संख्या में बैठे हैं, पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि वो कब यहाँ पर आएंगे, वो उनको संदेश देंगे 2022 के लिए किस तरह आगे अब जी जान से जुटना है, काम करना है, उसको लेकर काफिला निकल चुका है एयरपोर्ट से। और मानकर चलिए 15 से 17 मिनट का इंतज़ार और बाकी है जिसके बाद में यहाँ पर मौजूद होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और शुरू होगा बैठकों का सिलसिला, वो बैठकें जो तय करेंगी 2022 के लिए पार्टी की रणनीति को लेकर, पार्टी किस तरह से आगे जाएगी जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं में क्या संदेश, कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में क्या संदेश लेकर जाना है, इस पर जो बात होगी वो संदेश यहाँ से आज दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से। और आज का पूरा दिन लखनऊ और कल की अगर बात करें तो आगरा में इसके बाद कार्यक्रम होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के। आज देर रात तक यहां पर बैठ के देखे चलेंगी, जो सबसे आखिरी बैठक रखी गई है वो कोर कमेटी की बैठक होगी, शाम को लगभग 6 से 6:30 बजे का वक्त है जो भाजपा कार्यालय पर आयोजित होगी। इसके बाद में यहीं पर रात में रुकेंगे जेपी नड्डा और कल सुबह यहां से आगरा के लिए रवाना होंगे। अगर दिन भर में देखें तो देखिए 4 प्रमुख बैठक है, पहली जो ब्लॉक प्रमुखों के साथ में जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ में संवाद होगा, इसके तुरंत बाद दोपहर 1:15 बजे अगर बात करें तो जो विधानसभा के प्रभारी हैं सभी उनके साथ संवाद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और उसके बाद ये 2 कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होंगे, यहाँ से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर 4 बजे से बैठ के शुरू होंगे। 4 बजे सबसे पहले जो पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं कुछ खास, इसके अलावा जो प्रदेश सरकार में योगी सरकार के मंत्री हैं उन लोगों को बुलाया गया है, पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं कुछ उनको बुलाया गया, उसके साथ में बैठक होगी सबसे आखिर। बिल्कुल शैलेश, तो ये अब बैठकों का क्रम शुरू हो जाए जैसा कि आपने बताया, अब 5 मिनट का वक्त बीत चुका है तो दरमियान 10 से 15 मिनट के भीतर मौजूद होंगे, मंच पर ही मौजूद होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, जानकारी दी, शैलेश आपका शुक्रिया। खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है तो मिशन यूपी पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, जहां आगमन हो चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और अब से थोड़ी ही देर में वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने वाले हैं, जहां पर तमाम ब्लॉक प्रमुख और सदस्य इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। और देखिए ये 3 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि अगुवानी किस तरीके से हुई, एयरपोर्ट पर मौजूद रहे सीएम, डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री पदाधिकारी और इसके बाद कार में रवाना होते हुए भी नजर आ रहे हैं और यही होना है कार्यक्रम। मंच की तस्वीरें भी आपके सामने हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां अब से थोड़ी ही देर बाद इसी मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और तमाम सदस्यों को जीत का मंत्र देंगे, 2022 फतह कैसे करनी है ये बताएंगे।